अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम रुबेका एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद सीरत। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बीफ चॉप्स रेसिपी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ अगर आप चाहें तो मटन चॉप्स भी फ्राई कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बीफ चॉप्स मैंने ली हैं जिसका वेट तकरीबन 2 kg है। इन्हें एक पैन में ऐड करेंगे। 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 tablespoon सिरका, 1 tablespoon सोया सॉस, 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, 1 tablespoon कुटा हुआ धनिया, 1/2 tablespoon अजवाइन, टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे, 1/2 liter पानी ऐड करेंगे, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। 1 बार चम्मच की मदद से अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हाई फ्लेम पर बॉयल आने तक पकाएंगे, फिर लो फ्लेम पर कवर करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी जो है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। अच्छी तरह से पानी ड्राई होने पर हम इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए 1.5 cup बेसन लेंगे, जिसमें 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड करेंगे, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon salt, 2 tablespoon लेमन जूस, 1 tablespoon चिली सॉस, 2 अंडे शामिल करेंगे, 1 पानी शामिल करेंगे और थिक रनी बैटर तैयार कर लेंगे। अब चॉप्स को इसमें अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। गरम ऑयल में मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइडों से फ्राई करेंगे। अब इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बीफ चॉप्स हो चुकी हैं तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।